मैं इस सिटी में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं इस पूरी सिटी में तबाही मचा दूंगा, मेरे हाथ तो कोई नहीं बच पाएगा, और मैं उस रेनबो हल्क की तो बहुत बुरी हालत कर दूंगा। तू नहीं बच सकता रेनबो हल्क मुझसे, अब तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मुझे जल्दी भागना होगा यार, मुझे फटाफट जाना होगा आयरन मैन के पास। तो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि मैं भाग क्यों रहा हूँ, क्या हुआ? तो गाइज मुझे आयरन मैन ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि मुझे कहीं से एक बॉक्स लेके आना है, पर उसने बताया नहीं था उस बॉक्स के अंदर क्या है। और गाइज मुझे बॉक्स मिल गया है, और इस ब्रीफ केस के अंदर आप यकीन नहीं करोगे वैनम है, मतलब ईविल वैनम, जो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बुरा होगा। मेरे हाथ में यह है, तो गाइज मुझे फटाफट लेके आयरन मैन के पास जाना होगा इससे पहले कोई आ जाए। और मुझे लगता है इसकी तलाश में रेनबो हल्क भी है, मतलब जिसे आप लोग कलरफुल हल्क बोलते हो यार, वो भी इसकी तलाश में है। सॉरी भाई गलती से धक्का लगे तेरे मुझसे, मैं सोच रहा हूँ मैं ट्रक से जाता हूँ यार, क्योंकि पैदल जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। फटाफट चलो ट्रक ले लेता हूँ, ये ट्रक किसका है? चलो गाइस चलता हूँ इस ट्रक को लेके। ए भाई हट जा यार, सामने से हट जा, मुझे जाना है। यार तू क्या कर क्या रहा है तू? अरे 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 मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने मुझको धक्का मारा था। अरे यार गलती से धक्का लग गया था, मैं तुझे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत मुझे बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फटाफट यहाँ भागना होगा यार। चल ये लोग मुझे लगता है परेशान करेंगे, फिर चल भाग के चलता हूँ यार, कोई गाड़ी ले लूँगा आगे जाके यार, फटाफट कोई गाड़ी ले लूँगा, उस गाड़ी से भाग जाऊँगा। गाइस ये गाइस ये आवाज़ कैसी थी? गाइस ये आवाज़ कैसी है? मुझे गाइस बहुत डर लगा। अरे ये तो कलरफुल हल्क है, ये तो मेरे पीछे आ रहा है यार, ये क्या करेगा? रुक जा फ्रैंकलिन, रुक जा। अरे यार ये मेरे पीछे आ रहा है, इससे मैं कैसे बचूँ? फ्रैंकलिन रुक जा, मेरी बात तो सुन। नहीं यार मुझे फटाफट भागना होगा यार, मुझे अरे अरे गाइस इसने तो मुझे गिरा दिया। फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुन ले। हाँ बोल कलरफुल हल्क, तू क्या कहना चाहता है मुझसे? ये ब्रीफकेस मेरे हवाले कर दे फ्रैंकलिन, ये ब्रीफकेस मुझे दे दे। अरे गाइस मैं तुम्हें ये ब्रीफकेस नहीं दे सकता, ये आयरन मैन का है, और आयरन मैन ने इसे मुझे लाने को दिया है, उस तक पहुँचाना मुझे। नहीं नहीं तू देगा, अगर तू ये नहीं देगा तो मैं तेरी लाश से लूँगा ये। क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ मैं तुझे मारूंगा, मुझे ब्रीफकेस चाहिए, इसके अंदर वैनम में जो मुझे चाहिए। मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि सब गलत हाथों में दे नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं तू यहाँ से नहीं भाग सकता। मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेकर भाग रहा हूँ गाइस, मुझे गाड़ी लेकर भागना होगा। अरे गाइस किसने तो मुझे गाड़ी तबाह कर दी, बड़ा उतरना पड़ेगा, तू गाड़ी तबाह कर रहा है, क्या करूँ? तू मुझसे बच के नहीं जा सकता। ए तूने मेरी गाड़ी की चुराई, अब तू मेरे हाथों से गया। अरे भाई तू मुझे मत मार, मुझे सब इससे निपटने दे। अरे ये आदमी कौन आया जो हमारे बीच में आ रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे उसको छोड़ दे, वो एक नादान इंसान है बस। नहीं नहीं उसने हम दोनों के बीच में आया, और मैं तेरा हल भी ऐसा ही करूंगा अगर तूने मुझे ये ब्रीफ केस नहीं दिया तो। तो गाइस मैं फटाफट भाग रहा हूँ यार, क्योंकि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ब्रीफ केस मुझे दे दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता ये। है पुलिस तुम्हें बचाने आई है, और मैं इस पुलिस को भी नहीं छोड़ूंगा। गाइस ये तो पुलिस को ही मार रहा है यार, मुझे लगता है मैं इसे बच के नहीं भाग पाऊंगा, मैं फटाफट भागने की कोशिश करनी चाहिए यार, क्या तो भाग जाऊं ये। अब तू गया फ्रैंकलिन, अब तो मैं तेरी लाश से ब्रीफ केस लूंगा याला। हाँ गाइस लगता है तो मुझे मार देगा। गाइस गाइस पता नहीं मेरा क्या होगा, पर गाइस इसने मुझे क्या कर दिया, मैं बेहोश हो रहा हूँ। अब तू नहीं बच पाएगा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मुझे ब्रीफ केस पहली बार में दे देता तो शायद तू बच जाता। गाइस मेरे साथ क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन अब नहीं बच पाएगा तू, बाय बाय। थोड़ी देर बाद मुझे फ्रैंकलिन भैया रोड के साइड में पड़े मिले, इनका बहुत खून बह रहा है, पता नहीं इन्हें किसने मारा, और मुझे फटाफट आयरन मैन भैया के पास लेके चलता हूँ, क्या पता उनके पास ही इनका इलाज हो। मैं आगे आयरन मैन सुनो, फ्रैंक भैया किसने बहुत बुरी तरह मारा, देखो कितना खून बह रहा है उनका। सिंचन मुझे लग रहा है कि यह किसने किया होगा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने फ्रैंकलिन को एक मिशन पर भेजा था, उसे कुछ लेके आना था मेरे लिए। नहीं आपके क्या लेके आना था उसे? पहले सिंचन तुम बताओ, तुम्हें फ्रैंकलिन के बॉडी के आसपास कोई ब्रीफ केस मिला जिसके अंदर कुछ हो, जो हिलता हो, काले रंग का ब्रीफ केस हो? नहीं नहीं मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला था, मैं तो वहाँ से फ्रैंकलिन भैया पड़े थे और मैं इन्हें उठा के लिए आया। अगर वो ब्रीफ केस नहीं है, इसका मतलब किसी ने वो ब्रीफ केस छीन लिया फ्रैंकलिन से और फ्रैंकलिन को घायल कर दिया बहुत बुरी तरह। हाँ मुझे लगता है ऐसा किसने किया होगा फिर? मुझे लगता है ऐसा कलरफुल हल्क ने किया होगा, मुझे पक्का यकीन है कलरफुल हल्क ने किया होगा। क्या कलरफुल हल्क? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कलरफुल हल्क को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मेरे फ्रैंकलिन भैया को मारा इतनी बुरी तरह। सिंचन पर अब हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ अब हम क्या कर सकते हैं? और टोनी भैया? मुझे लगता है सिंचन मेरे से इसकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास एक हल्क का वो है एंटीडोट। मतलब एंटीडोट मतलब? मैंने एक दवाई बनाई थी हल्क के खून से जो कि हमें बहुत शक्तिशाली बनाता है। हाँ तो वो दवाई लगा दो इनकी ना। लेकिन सिंचन अभी तक दवाई मैंने कहीं टेस्ट नहीं की है, मैंने वो दवाई की तो कहीं टेस्ट ही नहीं हुई है, मैंने सिर्फ बना के रखी है वो। हाँ
तो कोई बात नहीं, फ्रेंकी बे के लगा दो, फ्रेंकी बे ठीक तो हो सकती है ना उससे। हाँ सिंचन, चांसेस तो हैं ठीक होने के, पर उसके अगर साइड इफेक्ट हो गए तो फ्रेंकी को कुछ भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप वो दवाई लगा दो फ्रेंकी बे के। ठीक है सिंचन, फिर मैं दवाई लेके आता हूँ, फ्रेंकली के लगा देता हूँ। चलो मैं दवाई फ्रेंकली के लगा लेता हूँ, मैं ले आया वो दवाई। हाँ लगा दो। देखो देखो गाइस, कितनी बुरी तरह मारा कलरफुल हक ने इन्हें, फ्रेंकी भैया को। गाइस अगर आप चाहते हो ना कि फ्रेंक कलरफुल हक से हम बदला लें, गाइस अगर आप चाहते हो हम कलरफुल हक से बदला लें, फ्रेंकी भी बिल्कुल ठीक हो जाए, तो अभी हमारे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा ना बाद में कि आप लोग कहोगे वाह क्या वीडियो है। गाइस पहले लाइक करो वीडियो को। अरे सिंचन सुनो मेरी बात। हाँ 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 भैया। अरे सिंचन चलो जाओ, तुम इधर सो जाओ, फ्रेंकी भैया कल सुबह तो ठीक हो जाएंगे। चलो गाइस इतना मैं बजा के सो जाता हूँ, फ्रेंकी भैया चलो कल सुबह फ्रेंकी भैया ठीक हो जाएंगे, फिर फ्रेंकी भैया से मिल पाऊँगा, फिर फ्रेंकी भैया को भिखारी बोल पाऊँगा, फिर उनकी ड्राइविंग का मजाक उड़ा पाऊँगा, उनकी शक्ल का भी मजाक उड़ाऊँगा मैं जब कल सुबह ठीक हो जाएंगे। चलो गाइस मैं जाके सो जाता हूँ, अब जब कल सुबह फ्रेंकी भैया ठीक हो जाएंगे तब मैं उनसे मिलूँगा। गाइस चलो सुबह हो गई, अब चलो जाता हूँ मैं उनसे मिलने के लिए फ्रेंकी भैया से। सिंचन मेरी मदद करो, सिंचन मदद करो मेरी, सिंचन ये गाइस ये कौन चीख रहा है? गाइस मुझे लगता है आवाज़ नीचे से आ रही है, ये चीख कौन रहा है यहाँ पर? गाइस मुझे पता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड शायद उस तरफ कोई है। गाइस ये अरे ये तो ब्लैक रंग का हल्क है, तुम कौन हो? मैं हूँ ब्लैक हल्क। सिंचन नीचे बैठ जाओ, सिंचन नीचे बैठ जाओ, सिंचन इसके सामने हाथ, सिंचन इसे हमें सरेंडर कर दो, क्योंकि हमें चोट पहुँचा सकता है, हमें मार देगा, छोड़ेगा नहीं हमें ये। आप डरो मत, ये तो मेरे फ्रैंकलिन भैया लग रहे हैं मुझे। हाँ सिंचन ये फ्रैंकलिन भैया ही है, पर ये ब्लैक हल्क बन गया अब उस वाले सीरम से जो मैंने इसे लगाया था रात को। मैं हूँ ब्लैक हल्क और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पूरी दुनिया में तबाही मचा दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, अब कोई नहीं बच पाएगा मेरे सामने। नहीं ये क्या कह रहे हो फ्रैंक भैया? मैं तुम्हारा फ्रैंकलिन भैया नहीं हूँ। तो आप कौन हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिंचन मुझे लग रहा है कि अब हम लेते फ्रैंकलिन को बचाने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, या मेरे पास कोई तरीका है फ्रैंक को बचाने का, मुझे सोचना पड़ेगा। मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मैं हूँ ब्लैक हल्क, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। नहीं आप मेरे पैर फ्रैंकी भैया, तो अब पता नहीं आपको ये क्या हो गया है, कल आपको कलरफुल हल्क ने बहुत मारा। क्या कलरफुल हल्क ने मुझे मारा? पर मुझे तो कुछ याद नहीं, क्योंकि शायद आपकी याददाश्त चली गई जब आप फ्रैंकलिन से ब्लैक हल्क बने हो, आपकी याददाश्त चली गई होगी। मैं फ्रैंकली नहीं, मैं ब्लैक हल्क हूँ, और तुमने क्या कहा कलरफुल हल्क ने मुझे मारा, अब मैं इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा और कलरफुल हल्क को छोड़ूंगा नहीं, कलरफुल हल्क अब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। सिंचन मुझे लग रहा है अब हम क्या करें, सिंचन समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूं। टोनी भैया आप ऐसा मत बोलो, कुछ ना कुछ तो सोचो आप। सिंचन मुझे सोचने दो यार, कोई तरीका तो सोचने दो। मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों भी मेरे से बच नहीं पाओगे। नहीं फ्रैंकी भैया अब मैं चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंचा सकता, मैं फ्रैंकलिन नहीं हूँ, मैं ब्लैक हल्क हूँ। तुम मुझसे दूर हट जा वरना मैं तो तेरी खाल धड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुझसे। नहीं नहीं मैं तुझे बाद में देख लूंगा, पहले मैं जाता हूँ इस शहर को तबाह करता हूँ मैं पूरे, मैं इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, इस शहर में कोई नहीं बच पाएगा मुझसे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब मैं मैं ब्लैक हल्क हूँ और मेरे से ज़्यादा तक शक्तिशाली और कोई नहीं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ सब हल्क में से। कोई नहीं बच पाएगा मुझसे। और टोनी भैया अब हम क्या करें आप बताओ, अब हम क्या करें? सिंचन मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। सिंचन अगर मैं एक काम करूँ, मैं तुम्हें अगर एक सीरम लगा दूँ, उस सीरम वो मैंने एक सीरम और बनाया था, वो वाइट हल्क का सीरम था, मतलब इससे ब्लैक हल्क बना है, मुझे पता नहीं था इससे ब्लैक हल्क बनेगा, पर मैंने एक सीरम व्हाइट हल्क के लिए बनाया था, उससे व्हाइट हल्क बनता है, तुम उसे लगा लो। क्या आप क्या कह रहे हो, मतलब बस एक एक एंटीडोट और है जिससे मैं बन सकता हूँ हल्क? हाँ सिंचन तुम्हें व्हाइट हल्क बन जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ बताइए मुझे क्या काम करना होगा। तुम्हें जाकर पहले फ्रैंकलिन को शांत करना होगा, ठीक है तुम ले लो, फिर फ्रैंकलिन को शांत करके उसमें ये सीरम लगाना होगा। मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? सिंचन मैं तुम्हारे में सीरम लगा दिया है, असर होना शुरू हो गया। नहीं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखिए अरमान भैया मैं व्हाइट हल्क बन गया हूँ। हाँ सिंचन मुझे दिख रहा तुम व्हाइट हल्क बन गए हो। सिंचन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम फ्रैंकलिन को मार पीट के शांत कर देना, मतलब उसको बेहोश कर देना, क्योंकि तुम उसे ऐसे इंजेक्शन नहीं लगा पाओगे, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, तुम जब वो बेहोश हो जाए तब उसके लगा देना, वो ठीक हो जाएगा फ्रैंकलिन। ठीक है अरमान भैया, जब वो बेहोश हो जाएंगे तब मैं उनके इंजेक्शन लगा दूंगा यार। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ अब तुम व्हाइट हल्क को, और व्हाइट हल्क के पास बहुत सारी पावर्स हैं, व्हाइट हल्क बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है,
जाओ तुम उसे हरा सकते हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ टोनी भैया, अपना ध्यान रखना भाई। लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हें कलरफुल हक दिखाई दे उससे वो छीन लेना वो ब्लैक बॉक्स। हाँ ठीक है मैं छीन लूँगा। आर्यन भैया ने मुझसे कहा है कि अगर मुझे कलरफुल हक दिखाई दे तो मुझे उसे एक ब्लैक बॉक्स छीन रहा है जिसके अंदर ईविल वेनम है जिसका इस्तेमाल वो खुद को शक्तिशाली करने के लिए करना चाहता है। चलो गाइस मैं चलता हूँ फटाफट। और गाइस मेरी एक बात सुनो आप लोग, गाइस आप लोग पहले हमारी वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आपको वीडियो बेकार लगी तब भी लाइक कर दो क्योंकि हम उसे प्यार नहीं करते, मैं आपका प्यारा सिंचन नहीं हूँ। हाँ तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहती हो ना कि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बनाऊं और वाइट हल को ब्लैक हल की लड़ाई करवाऊं कि उन दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो गाइस पहले हमारी वीडियो को कमेंट करके बताइए ब्लैक और वाइट हल की लड़ाई करवाऊं कि नहीं। और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय। ठीक है लेकिन अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं वाइट हल को उस ब्लैक हल को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा। वो फ्रैंकलिन भैया है ना उनको मैं देखो इतना मारूंगा, उन्होंने मुझे मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले लात से, उन्होंने मेरी लात मारी ना।